तो डियर स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब हम रिवीजन हमारी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे उन चैप्टर्स की जो हमारे यूनिट टेस्ट में आने हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, मारमा चेगम्बू और बाघ। तो ये कहानी हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। मारमा चेगम्बू और बाघ दोस्त होते हैं, लेकिन बाद में जो बाघ होता है वो बहुत ही भोला भाला होता है, इसीलिए जो मारमा चेगम्बू यानी कि वो आदमी होता है, उस बाघ को छोड़कर चला जाता है और उसे बहुत ही तरीकों से दुखी भी करता है, ठीक है, क्योंकि वो इतना बुद्धिमान नहीं होता और वो आदमी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो उनकी आपस में नहीं बनती। तो आज इसी से संबंधित हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है, बाघ ने मारमा चेगम्बू को अपनी गुफा में छिपने के लिए क्यों कहा, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि एक दिन बाघ मारमा चेगम्बू को अपने घर ले गया। जब वह बाघ की गुफा के नजदीक पहुंचे तो बाघ ने मारमा चेगम्बू को छिपने के लिए कहा। क्यों क्यों कहा? क्योंकि उसे डर था कि कहीं दूसरे बाघ उस पर हमला ना कर दे, ठीक है। तो गुफा में छुपने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसे डर था कि कहीं दूसरे बाघ जो हैं वो उस पर हमला ना कर दे, ठीक है। अगला प्रश्न है, मारमा चेगम्बू ने दूसरे बाघों को कैसे भगाया? तो अब देखते हैं कि कैसे भगाया। तो बाघों को भगाने के लिए जो आदमी था, मारमा चेगम्बू था, उसने अपनी बगल में एक सूखी लौकी देखी। उसके पास एक सूखी लौकी थी जो अंदर से खाली थी। उसने लौकी में फूंक मारकर उसे बजाना शुरू कर दिया। लौकी से अजीब तरह की आवाज आने लगी और इस अजीब आवाज से बाघ डरकर भाग गए। तो जो बाघ थे वो कैसे भाग गए? कि वो जो सूखी लौकी बजा रहा था फूंक मार के, उसमें से अजीब आवाजें आ रही थी, जिससे डरकर वो जो बाघ थे वो वहां से भाग गए। अगला प्रश्न है, बाघ मारमा चेगम्बू से क्यों प्रभावित हुआ? तो इसका बहुत सरल उत्तर है कि जो बाघ था वो मारमा चेगम्बू की बुद्धिमता से बहुत प्रभावित हुआ, यानी कि उसके पास हर एक चीज़ का प्रश्नों का उत्तर होता था, हर एक चीज़ का सुलझाने का उसके पास एक तरीका होता था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदमी ने बाघ के मुंह में जलते हुए कोयले का टुकड़ा क्यों डाल दिया? तो आदमी जो था वो बाघ के साथ रहते रहते ऊब चुका था, है ना, बोर हो गया था वो। तो उसने सोचा कि बाघ तो जंगल का राजा होता है, पर ये तो इतना तब्बू है। तब आदमी ने दुष्टतावश बाघ के मुंह में जलता हुआ कोयला डाल दिया और घर चला गया, ठीक है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है कि बिल्ली मारमा चेगम्बू के घर से डरकर क्यों भागी? तो आदमी ने बिल्ली को भगाने के लिए उस पर आटे की लेई फेंकी। क्या फेंकी? आटे की लेई बना के फेंकी। तो लेई को हटाने के लिए बिल्ली धान के भूसे के ढेर में अपनी पीछ रगड़ने लगी। तो क्या हुआ कि जो आटे की लोई वो चिपचिपी होती है, तो उससे जो था वो भूसा था वो लेई से चिपक गया। अब बिल्ली को लगा कि उसके शरीर पर कीड़े चिपक गए हैं और वो वहां से डरकर जंगल में भाग गई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नाग को मारमा चेगम्बू ने कैसे मजा चखाया? अब नाग की बारी। पहले बिल्ली बिल्ली के साथ किया उसने, अब उसने नाग के साथ किया किया वो हम पढ़ेंगे कि आदमी को नाग के बदला लेने की योजना का पता चल गया, ठीक है। उसको पता चल गया था कि नाग मेरे से बदला लेने आ रहा है उस बाघ की वजह से। तो उसने क्या किया? उसने एक मुट्ठी काली मिर्च का चूरा एक खाली बांस के अंदर डाल दिया, जिस पर से होकर नाग छत पर चढ़ता है। तो और बड़ी चालाकी से आदमी ने नाग को बांस में बंद कर दिया। तो काली मिर्च से नाग का शरीर जो था वो जलने लग गया, मिर्ची लगी उसे। तो उसने आदमी से दया की भीख मांगी, आदमी ने उसे छोड़ दिया और नाग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, ठीक है। अब बच्चों, हमारा अंतिम प्रश्न है कि बाघ के शरीर पर धारियां कैसे बनी? तो आदमी ने बड़ी चालाकी से बाघ को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी खूब पिटाई की डंडे से। तो कहते हैं कि उसी दिन से बाघ के शरीर पर जो धारियां थी वो बन गई, ठीक है। इसके बाद है हमारे इससे संबंधित खाली रिक्त स्थान, ठीक है, खाली स्थान भरो। तो
तो एक बाघ की किसके साथ दोस्ती हुई? मारमा चेगम्बू के साथ। इस नाम को अच्छे से याद कर लो, मारमा चेगम्बू नाम था उसका। आदमी ने कटार पत्थरों की दरार में छिपा दी थी। कटार यानी कि चाकू, तो कहाँ छिपा दिया था? पत्थरों की दरार में। शिकार के बाद मारमा चेगम्बू बाघ को कौन सा मांस खिलाना चाहता था? भुना हुआ मांस। ठीक है, भुना हुआ मांस। मारमा चेगम्बू ने बाघ के मुंह में जलते कोयले का टुकड़ा डाल दिया। किसका कोयला, किसका टुकड़ा डाल दिया? जलते हुए कोयले का। बाघ का बदला लेने नाग व बिल्ली गए। कौन कौन गए थे? नाग और बिल्ली गए थे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का रिवीजन चैप्टर, मारमा चेगम्बू और बाघ। ठीक है, अच्छे से इसको याद करना और लिखने की प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।